दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि BS-6 के नॉर्म्स क्या हैं और ये इंडियन रेलवेज के अंदर किस तरीके से लागू किए गए हैं और हमारा इंडियन रेलवे जो है कैसे इसको कंप्लाई कर रहा है, तो आज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंडियन रेलवे के अंदर हमारे टोटल 19,000 ट्रेन्स चलती हैं, जिसमें से 5,000 ट्रेन्स जो हैं जो पावर्ड हैं वो हैं डीजल लोकोमोटिव द्वारा, यानी कि बाकी के जो हैं ट्रेन्स हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलते हैं। और ये लोकोमोटिव जो है काफ़ी इनका जो एमिशन है, इसके जो स्मोक इसमें से निकलता है काफ़ी आपका पॉल्यूटेड करता है हमारे एनवायरमेंटल को। इसीलिए इंडियन रेलवे के जो रेलवे मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने बताया था कि ये अनाउंसमेंट किया था कि इंडियन रेलवे के अंदर जितने भी डीजल लोकोमोटिव सेट्स हैं जो चल रहे हैं उसको रिप्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से। यानी कि जहां अभी डीजल ट्रैक है, जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है ट्रैक्स का, वो इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तो ये जो है प्रोजेक्ट है आपका 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत सारे डीजल लोकोमोटिव्स को रिप्लेस करा जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में और ये ट्रैक को इलेक्ट्रिफाई किया जाएगा। तो दिस इज़ द प्लान फॉर कन्वर्टिंग आपका, जैसे अभी करंटली BS-4 नॉर्म्स हैं तो इसको BS-6 के नॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए हम पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि BS-6 या भारत स्टेज नॉर्म है क्या। तो इंडिया के अंदर ये जो एमिशन नॉर्म्स हैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में पेट्रोल इंजन के लिए, और 1992 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ नॉर्म्स डीजल इंजन के लिए। BS स्टैंड करता है भारत स्टेज को और ये आपका बेस्ड है आपको यूरो यानी कि यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको फॉलो करता है ये नॉर्म्स। BS-2 नॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया के अंदर 2001 के अंदर, और BS-3 2005 के अंदर। BS-4 एमिशन जो नॉर्म इंडिया के अंदर आए हैं वो 13 प्लेस आपके सिटीज़ के अंदर सबसे पहले आए थे अप्रैल 2010 में, उसके बाद में एंटायर कंट्री के अंदर अप्रैल 2017 में इसको लागू कर दिया गया। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम BS-5 के जो नॉर्म्स हैं इसको स्किप कर सकते हैं और एक नए नॉर्म्स यानी कि BS-6 नॉर्म को हम अडॉप्ट करेंगे बाई 2020 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अपने इंडिया के अंदर बैन कर चुका है किसी भी तरीके के सेल और रजिस्ट्रेशन जो है मोटर व्हीकल का, जो कंफर्मिंग करते हैं BS-4 नॉर्म्स को। अब पूरे कंट्री के अंदर अप्रैल 2020 से जो है BS-6 के नॉर्म्स लागू होंगे और वही व्हीकल जो है खरीदे या उनका रजिस्ट्रेशन होगा जो नॉर्म BS-6 के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। यानी कि BS-6 के नॉर्म है मोस्टली फोकस जो है इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या इसको नॉक्स भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा कंपोनेंट जो रिड्यूस होता है वो है पर्टिकुलेट मैटर यानी PM भी हम इसको बोलते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं BS-4 एंड BS-6 के नॉर्म्स को तो देखेंगे कि इसके अंदर 3 मेजर जो आउटपुट हैं इसके एमिशन हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स एंड PM। तो आपका अगर मैं क्लासीफाई करूं व्हीकल्स को, इसमें वन कैटेगरी है आपका 2.2, जिसका कि वो इंजन्स आते हैं जिनकी स्पीड आपका 100 to 115 किलोमीटर पर आवर होता है। दूसरा क्लास है आपका 3.1 एंड 3.2, ये इसके अंदर वो इंजन्स हैं जिन इंजन्स की स्पीड आपका 115 से 130 किलोमीटर पर आवर आते हैं। तो इसी हिसाब से इनके एमिशंस नॉर्म्स का हम कंपेयर करते हैं। तो अब जैसे हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड BS-4 के अंदर 1.97 से आपका रहता है करीब ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से, अगर 1 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है तो लगभग 1.97 ग्राम आपका जो है ये एमिट होता है। नॉक्स जो है 0.34 ग्राम पर किलोमीटर है, और 3.1 यानी कि अगर स्पीड हमारी बढ़ती है गाड़ी की तो उसका जो आपका नॉक्स का जो लेवल है वो कम हो जाता है 0.2 के करीब रहता है। PM जो है 0.02 ग्राम
पर किलोमीटर है बोथ केसेस में। तो BS-6 के अंदर अगर हम जाते हैं तो BS-6 के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो केवल 1 ग्राम पर किलोमीटर है, नॉक्स जो है आपका 0.06 ग्राम पर किलोमीटर है, और PM का लेवल जो है आपका बहुत ही कम है, जैसे इसका हाफ कह सकते हैं BS-4 के नॉर्म के हिसाब से, यानी कि 0.01 ग्राम पर किलोमीटर है। अप्रैल 2020 से इंडिया के अंदर सभी जगह अब BS-4 जो फ्यूल आता है यानी कि पेट्रोल और डीजल वो बंद हो जाएगा, और BS-6 ग्रेड का फ्यूल जो है सप्लाई होगा। ये BS-6 का जो ग्रेड का फ्यूल है इसके अंदर सल्फर की मात्रा काफ़ी कम होती है, यानी कि 5 टाइम जो है सल्फर इसके अंदर कम होता है BS-6 ग्रेड के अंदर, यानी कि अगर BS-4 के अंदर ये 10 PPM है तो BS-6 के अंदर केवल ये BS-4 में अगर 50 PPM है तो BS-6 में केवल 10 PPM रहता है। और ये आपका जो है BS-6 ग्रेड का फ्यूल अगर हम BS-4 कंप्लेंट इंजन के अंदर अगर इसका यूज़ कराया जाता है तो उसके अंदर इस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि BS-4 ग्रेड का जो इंजन है वो BS-6 फ्यूल पे भी विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है इसको काम कर सकता है। इन डीजल इंजन्स के अंदर सल्फर कंटेंट जो होता है थोड़ा सा वो वहाँ एडवांटेज इसको ये मिलता है कि वो लुब्रिकेंट का एक तरीके से प्रयोग होता है उसका, और इंजेक्टर जहाँ फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं वहाँ एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है सल्फर कंटेंट में। नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो मात्रा है BS-6 फ्यूल में वो आपका जो है काफ़ी कम हो जाएगा, पेट्रोल इंजन के अंदर इसका लगभग जो है आपका 25% और डीजल इंजन में 70% जो है आपका काफ़ी कम हो सकता है इसका मात्रा। अगर देखा जाए तो अगर BS-6 के इंजन में अगर हम BS-4 ग्रेड का अगर फ्यूल अगर हम यूज़ करते हैं तो जो BS-6 का इंजन है वो उस नॉर्म्स को एडेर यानी कि उसको फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि अगर BS-6 का हमारा जो है इंजन है तो उसमें हमें BS-6 ग्रेड का ही फ्यूल यूज होना होगा, तभी जो है उसके एमिशन नॉर्म्स जो हैं एज पर BS-6 के हिसाब से रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये BS-6 आपका जो डीजल इंजन हैं इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। BS-6 के डीजल इंजन यानी कि जो लोकोमोटिव्स भी हैं और जो हैवी इंजन हैं उसके अंदर उसके एग्जॉस्ट सिस्टम को काफ़ी मॉडिफाई किया गया है, यानी कि उसके जो एग्जॉस्ट है एमिशन है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। उसके अंदर आपका कैटेलाइट इन्वर्टर आपका कन्वर्टर यूज़ किया जाएगा, सिलेक्टिव कैटेलाइट रिडक्शन यूज होगा, इसको SCR भी बोलते हैं। SCR क्या है, एक तरीके से एक यूनिट होता है जिसमें आपका यूरिया उसके अंदर मिक्स होता है और ये नॉक्स को और फर्दर जो है कंट्रोल कर देता है और इसको लिक्विफाइड कर देता है। साथ ही साथ में इसमें डीजल इंजन्स के अंदर आपका DPF यानी कि डीजल पर्टिकुलर फिल्टर्स आपके एक्स्ट्रा फिल्टर लगाए गए हैं इसके नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपका डीजल लोकोमोटिव या डीजल इंजन्स के ऊपर आपका काफ़ी सख्ती किया है और BS नॉर्म्स जो हैं 4 को बिल्कुल बैन कर दिया गया। अब तो नए जो हैं नियम लागू होंगे BS-6 के हिसाब से, तो इंडियन रेलवे के अंदर जो पुराने डीजल लोकोमोटिव्स हैं उनका होगा क्या, उसको क्या किया जाएगा, उनका क्या फ्यूचर है। तो ये जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं इनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये इनको जो है एज ए बैकअप में रखा जाएगा, यानी कि अगर कभी कोई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स फेल होता है तो उस जगह जहाँ डीजल लोकोमोटिव्स को जो है यूज़ किया जाएगा एज ए बैकअप के लिए, जहाँ शंटिंग की इस्तेमाल होते हैं शंटिंग लोको वहाँ इनका डीजल लोकोमोटिव्स को इस्तेमाल होगा, जैसे यार्ड वगैरह में इनको जो है इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ कंपनियां हैं होती हैं जैसे पावर थर्मल प्लांट्स हैं, कुछ स्टील के प्लांट्स हैं जहाँ आपका मैरी गो राउंड सिस्टम होता है, जहाँ रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है, जहाँ कोल और स्टील की सप्लाई होती है, तो वहाँ ये वैगन्स के अंदर अटैच किए जाते हैं इंजन्स को, तो ये इंजन जो है वहाँ यूटिलाइज किए जाएंगे। तो अब ये जो
एज पर द सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और सीपीसीबी यानी कि आपका इन्होंने एक नॉर्म्स जो हैं जारी किए हैं कि आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए लोकोमोटिव्स की, उसमें एमिशन की, तो इन्होंने 2017 के अंदर कुछ लिमिट्स जो हैं प्रपोज लिमिट्स यानी कि जो लोकोमोटिव हैं डीजल इंजन के वो जारी की हैं कि जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका लिमिट जो है आपका 3 ग्राम पर बीएचपी पर आवर की लिमिट है। ऐसी हाइड्रोजन कार्बन आपका 1 ग्राम पर बीएचपी पर आवर है। नॉक्स जो है 17 ग्राम पर बीएचपी पर आवर है। आपका पीएम यानी कि पर्टिकुलेट मैटर जो है 0.45 ग्राम पर बीएचपी पर आवर के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सभी जितनी भी इंडियन रेलवेज़ के जो लोकोमोटिव्स हैं उसको ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं और इस नॉर्म्स के हिसाब से उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उनको मॉडिफाई किया जाएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि DLW बनारस ने अभी हाल ही में एक डीजल लोकोमोटिव्स को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में। उन्होंने जो है WAG C3 क्लास का जो डीजल लोकोमोटिव था उसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया है। पहले इस लोकोमोटिव की जो पावर थी वो लगभग 2600 HP थी, अब ये है 5000 HP की जो है पावर है। और साथ ही साथ अगर हम नया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की जो कॉस्ट होती है 5 से 6 करोड़ होती है, लेकिन DLW ने जो इसको कन्वर्ट किया है इसमें इसकी कॉस्ट आई है 2 से 3 करोड़ की, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका 2 से 3 करोड़ का जो है इसमें सेविंग है। और जो इसकी लाइफ है लोकोमोटिव की वो फर्दर जो है 18 साल जो है बढ़ जाती है आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है। और ये पूरे कन्वर्जन करने में, इसको ड्राइंग बनाने में, इसको पूरा मॉडिफाई करने के अंदर जो DLW को जो समय लगा वो 70 दिन का जो है समय लगा है, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोटोटाइप था तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगा। अगर इसको प्रोडक्शनाइज किया जाए, ड्राइंग्स को इसकी सभी इसको जो मास प्रोडक्शन किया जाएगा तो ये इसका टाइम जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और सेविंग भी होगा, इंडियनाइज होगा, हमारे अंदर ही देश में बनेंगे ये लोकोमोटिव जो है कन्वर्ट हो जाएंगे और इनकी पावर भी होगी और इनकी लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। इंडियन रेलवे अपने कुछ डीजल लोकोमोटिव्स को कन्वर्ट कर रहा है CNG एंड LNG के अंदर, यानी कि जो डीजल लोकोमोटिव्स थे अब उसके अंदर कुछ आपका किट लगा कर CNG उसको CNG में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि उसका एमिशन जो है काफ़ी कुछ जो है कंट्रोल रहेगा।